हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम विशाल शर्मा है और आपका दी यूनी अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हमारे अगले नाउ जो मॉडल्स है वो है कुड। तो हम जानते हैं कि कुड का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। सो हम कुड का यूज पावर के सेंस में, कैपेसिटी के सेंस में और एबिलिटी के सेंस में, जो कि पास्ट टाइम में हो। यानी कि फ्रेंड्स, हम जैसे कि कैन का यूज भी पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी के यूज में करते थे, उसी प्रकार हम कुड का यूज भी पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी के यूज में के कर सकते हैं। लेकिन इसका उस कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और कुड का यूज हम उसी चीज को कहने के लिए पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे कि व्हेन ही वाज यंग ही कुड लिफ्ट 100 किलोग्राम्स। सो फ्रेंड्स, इसमें व्हेन ही वाज यंग ये पास्ट टेंस है कि जब वह जवान था, ही कुड लिफ्ट 100 किलोग्राम्स, वह 100 किलो वजन उठा सकता था, इसलिए हमने ही के साथ कुड का यूज किया। अगर फ्रेंड्स ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता तो हम ही के साथ कैन का यूज करते। इसके बाद हम देखते हैं कि कुड का यूज हम कैसे कैसे और कैसे कर सकते हैं। और फ्रेंड, कुड का यूज दूसरा यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, जो प्रेजेंट टेंस में है। यानी कि फ्रेंड्स, हम किसी से अगर पोलाइटली कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उस सेंस में कुड का यूज कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि कुड यू प्लीज पास मी द बुक। तो इसमें फ्रेंड्स, हमने पोलाइटनेस को शो करने के लिए हमने कुड का यूज किया है। अगर कैन का यूज करते यहाँ पे करते तो यहाँ पे इतनी पोलाइटनेस शो नहीं होती। इसके बाद कुड नोड का यूज हम कब कर सकते हैं, प्रोहिबिशन और इनएबिलिटी ऑफ पास्ट टाइम। जैसा कि फ्रेंड्स, हम कैन नोड का यूज प्रोहिबिशन और इनएबिलिटी ऑफ प्रेजेंट टाइम का करते थे, उसी प्रकार कुड का यूज हम प्रोहिबिशन और इनएबिलिटी का यूज पास्ट टाइम के लिए करते थे। जैसे कि व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई कुडंट गो आउट, जब मैं एक बच्चा था मैं बाहर नहीं जा सकता था। सो ये पास्ट सेंस में जा रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे कुडंट का यूज किया। उसी प्रकार ही ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट विन द रेस। इसमें भी फ्रेंड्स, ही ट्राइड हिज बेस्ट ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है, बट कुड नॉट विन द रेस। सो इसलिए हमने यहाँ पे कुड नॉट का यूज किया। इसके बाद हम जानते हैं कि कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वी यूज इट व्हेन वी वांट टू शो दैट द सब्जेक्ट हैड पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्शन, बट द सब्जेक्ट कुड नॉट परफॉर्म इट। यानी कि फ्रेंड्स, जो पास्ट टाइम में हम इसको इस चीज के शो करने के लिए करते हैं कि सब्जेक्ट के पास किसी काम को करने के लिए पावर एबिलिटी तो थी, परंतु फिर भी उसने वो काम नहीं किया। जैसे कि इफ ही हैड रन ए बिट फास्टर ही कुड हैव वन द रेस। तो इसमें फ्रेंड्स, अगर इसका हिंदी जो अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये होगा, इफ ही हैड रन ए बिट फास्टर, अगर वो कुछ और तेज दौड़ता तो मैं उस रेस को जीत जाता। मतलब फ्रेंड, उसके पास पावर तो थी कुछ और तेज दौड़ने की, लेकिन वह नहीं दौड़ा और रेस को हार गया, इसलिए हमने कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी विन का वन हो जाता है, का यूज किया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगली क्लास में मॉडल्स को करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू गाइस।